सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव। सो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं फॉरएवर फ्रीडम के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि मैंने लास्ट में इस प्रोडक्ट को यूज़ कैसे करना है और अगर किसी को ज्वाइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसमें कौन कौन से प्रोडक्ट को देना है और उस प्रोडक्ट को यूज़ कैसे करना है मैंने ये भी लास्ट में बता रखा है, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा अगर आपको फॉरएवर फ्रीडम की अच्छी इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक सर्वे के अकॉर्डिंग मैं बताऊं तो इंडिया का लगभग 10-15% जो जनसंख्या ऐसा है जिसको ना जॉइंट्स की प्रॉब्लम है, जो कि जॉइंट प्रॉब्लम के शिकार हैं। इसमें बूढ़े लोग भी हैं, बच्चे भी हैं, यूथ भी है, इसमें हर एक कैटेगरी का पर्सन इसमें शामिल है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बूढ़े लोगों को ही जॉइंट्स की प्रॉब्लम है। और इससे भी एक हैरानी वाली बात यह है कि पर ईयर लाखों लोग जो है ना जॉइंट्स प्रॉब्लम के शिकार होते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि लोगों को जॉइंट्स की प्रॉब्लम क्यों होती है। मैं बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, हमारे बॉडी में ना बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं और हर एक जॉइंट्स के बीच में ना एक तेलिए जैसा एक पदार्थ होता है जिसे हम कार्टिलेज बोलते हैं या फिर हम उसको ग्रीस भी बोलते हैं, उसको हम फ्लूइड भी बोलते हैं। उसी कार्टिलेज की वजह से क्या होता है ना, दोनों हड्डियों के बीच में चिकनापन आता है और उसी चिकनेपन की वजह से क्या होता है ना, लुब्रिकेशन आती है, मतलब लचीलापन आता है। और उसी लुब्रिकेशन और उसी लचीलेपन की वजह से क्या होता है ना, हमारा जॉइंट जो है ना मूवमेंट करता है। लेकिन जब जब हमारी कार्टिलेज को ना उसका भोजन नहीं मिल पाता, मीन्स उसको न्यूट्रिशंस नहीं मिल पाती है, तो वो कार्टिलेज क्या होता है ना, वो धीरे 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 सूखना शुरू हो जाता है। और जब वो सूखना शुरू होता है तो क्या होता है, आपस में हड्डियां ना टकराना शुरू करती है। जब आपस में हड्डियां टकराती है ना, तब वहां से ना क्या होता है, हमारी जॉइंट्स की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि क्यों लोगों को जॉइंट्स की प्रॉब्लम हो जाती है, राइट। सो अब मैं आपको बताने वाला हूँ फॉरएवर फ्रीडम के बारे में कि वो फॉरएवर फ्रीडम किस तरीके से जॉइंट्स प्रॉब्लम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। सो अगर मैं फॉरएवर फ्रीडम की बात करूं तो इसमें 90% एलोवेरा जेल होता है जो कि बेसिकली क्लींजिंग, नरिशमेंट और रिपेयर का काम करता है। प्लस 10% में कंपनी ने मिलाया है ग्लूकोसामाइन सल्फेट, कॉन्ड्राइटिन सल्फेट, एमएसएम प्लस विटामिन सी। ये जो चीजें कंपनी ने मिलाई है ना, ग्लूकोसामाइन, कॉन्ड्राइटिन सल्फेट, एमएसएम और विटामिन सी, ये क्या करता है, बेसिकली हमारे जो कार्टिलेज जो सूख जाता है ना उसको बनाने का काम करता है। मतलब कार्टिलेज को ना रीजनरेट करता है। फिर से बोला जाता है कि अगर हड्डियों के बीच में अगर थोड़ा सा भी कार्टिलेज बचा होगा ना, तो ये फॉरएवर फ्रीडम फिर से बहुत सारे कार्टिलेज को बनाने में सक्षम है, ठीक है। उसके बाद ये क्या करता है, लुब्रिकेशंस को इंक्रीज करता है, लुब्री लचीलापन लाता है हमारे जॉइंट्स के बीच में और हमारा जो जॉइंट फंक्शंस है ना उसको बहुत ज्यादा इंप्रूव कर देता है। सो अब मैं अगर फॉरएवर फ्रीडम के बेनिफिट्स के बारे में बात करूं कि हम फॉरएवर फ्रीडम को कौन कौन से डिजीज में दे सकते हैं। देखो, फॉरएवर फ्रीडम तो बेसिकली जॉइंट्स प्रॉब्लम के लिए ही है, बट इसमें इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट्स है जो कि अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, सबसे पहली चीज तो जितने भी टाइप्स की जॉइंट्स प्रॉब्लम होती है, ठीक है, चाहे वो ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, स्पाइनल डिस्क हो, साइटिका हो, सर्वाइकल डिस्क हो, एनी टाइप्स ऑफ जॉइंट्स प्रॉब्लम में आप फॉरएवर फ्रीडम को दे सकते हो, ठीक है। और इसके साथ में आप आर्कटिक्स अगर देते हो, ठीक है, तो बहुत अच्छा फायदा करेगा सामने वाले को अगर आप देते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर किसी को गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है उसमें भी ये बहुत अच्छा फायदा देता है। और इनडाइजेशन की अगर प्रॉब्लम है, किसी को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, उसमें भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है हमारे स्किन के लिए, हेयर के लिए और नेल्स के लिए भी ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, राइट। और अगर मैं आपको बताऊं तो ये किसी भी एज का पर्सन फॉरएवर फ्रीडम को ले सकता है, ठीक है। अगर मैं मेनली बात करूं तो 40 प्लस वाले जो लोग होते हैं, जो बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, उनको तो डेफिनेटली यूज करवाना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, 40-50 साल की एज में ना कार्टिलेज लगभग सूख जाता है, ठीक है, तो उन लोगों को देना बहुत ज्यादा जरूरी है जो 40 प्लस वाले हैं, ठीक है। अगर कोई एथलीट्स हैं, ठीक है, जो कि मतलब बहुत ज्यादा उनको रन करना पड़ता है, वैसे लोगों के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्या होता है, जो एथलीट्स होते हैं ना उनको बहुत ज्यादा एक्सरसाइज वगैरह करनी पड़ती है, जिससे क्या होता है ना कार्टिलेज बहुत ज्यादा घिसती है, ठीक है, तो उनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अगर वो लेते हैं तो क्या होगा कि कार्टिलेज हमेशा बनता रहेगा बॉडी में।
सो आई होप आपको फॉरएवर फ्रीडम की बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और कौन कौन से डिजीज में हम फॉरएवर फ्रीडम को दे सकते हैं ये भी आपको अच्छे से पता लग गया होगा। तो आप फॉरएवर फ्रीडम को डेफिनेटली आप अपने ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर को आप यूज करवा सकते हैं, या फिर आसपास के अगर कोई लोग हैं जिनको ऑर्थराइटिस वगैरह से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली आप उनको ये सारे प्रोडक्ट्स के बारे में सजेस्ट करिए, ठीक है। बट अभी आपके माइंड में ये सवाल चल रहा होगा कि सर हम जॉइंट्स में कौन कौन से हम फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को सजेस्ट कर सकते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप कौन कौन से फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को सजेस्ट कर सकते हैं फॉरएवर फ्रीडम के साथ में। सो सबसे पहली चीज तो भाई फॉरएवर फ्रीडम आप साथ में दे सकते हैं, फॉरएवर का आर्कटिक सी, उसके साथ में आपको देनी है एलो हीट लोशन प्लस एक एमएसएम जेल। अब इन सभी प्रोडक्ट्स को यूज कैसे करना है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। सबसे पहले आपको मॉर्निंग में 100 ml लेनी है फॉरएवर का फ्रीडम, ठीक है। और फॉरएवर फ्रीडम को लेना कैसे है, क्या करना है आपको, सुबह खाली पेट 100 ml लेनी है और 100 ml लेने के बाद आधे घंटे का गैप करना है, और उस आधे घंटे में आपको कोई भी चाय या पानी नहीं पीना। आधे घंटे के बाद आपको हॉट वाटर पीनी है, आप ठंडा पानी भी पी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और ठंडा पानी पीने के बाद आपको ब्रेकफास्ट वगैरह करना है, और ब्रेकफास्ट करने के बाद आपको आर्कटिक सी लेनी है। एक आर्कटिक सी ले लिया आपने, उसके बाद आपको क्या करनी है, एक नाइट में एक आर्कटिक सी लेनी है आफ्टर डिनर। उसके बाद आपको क्या करना है, जो हीट लोशन और एमएसएम है उसको दो टाइम पे मालिश करनी है, एक आप आफ्टरनून में कर सकते हो और एक आप नाइट में कर सकते हो। मालिश कैसे करनी है, आपको हीट लोशन और एमएसएम को थोड़ा थोड़ा लेकर अपने हथेली पे मिलाना है, और जहाँ पे जॉइंट्स की प्रॉब्लम है वहाँ पे उसकी मालिश करनी है। और मालिश करने के बाद आपको एक कपड़ा लेना है और उसको आग में थोड़ा सा कपड़े को गर्म करके, और उस जॉइंट जहाँ पे भी जॉइंट्स की प्रॉब्लम है जहाँ पे आपने मालिश करी है वहाँ पे उस गर्म कपड़े के साथ में सेकना है। इससे क्या होगा ना, बहुत जल्दी उनका जो जॉइंट्स का प्रॉब्लम है ना रिकवर हो सकता है, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और फॉरएवर के फ्रीडम के बारे में अच्छा सा इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा, किस तरीके से यूज करनी है, किस टाइम पे कौन से प्रोडक्ट्स को यूज करना है मैंने आपको भी बता दिया, ठीक है। सो हम फिर मिलेंगे एक ऐसी अच्छी प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।